हेलो फ्रेंड्स, आपका आईटीआई सपोर्ट चैनल में स्वागत है फिर से। तो आपने देखा था कि मैंने फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन तक का डिस्कस किया था। अब उसके आगे का देखते हैं। तो 40वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। रॉट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन को बर्डलिंग फर्नेस में गलाया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, सारे फर्नेसेस के क्या क्या काम होते हैं, किस फर्नेस में गला कर क्या क्या बनाया जाता है। अगला 41वां क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। तो कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर यानी कि संपीड़ित वायु का यूज़ किया जाता है, इसको भी याद कर लेना। सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतः किस धातु मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो सोल्डर जो धातु होता है वो टिन प्लस लेड होता है, ये आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसे। 20 mm व्यास का कार्यखंड लेथ पर इतना उसकी आरपीएम दिया हुआ है, तो कार्यखंड की गति गति पूछ रहा है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लगा के निकाल सकते हैं सर। ट्विस्ट ड्रिल होती है उसकी कटिंग टूल मतलब कौन सी होती है। तो ट्विस्ट ड्रिल में दोस्तों एंड कटिंग टूल होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है। फ्यूज़न होता है, टिग होता है, डब होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो इसमें दोस्तों फ्यूज़न होता है, मतलब वो गला कर किया जाता है। रोप ड्राइव के लिए पुली में ग्रुप का सामान्यतः कितना कोण होना चाहिए। तो रोप ड्राइव के लिए 45 डिग्री होना चाहिए। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों मतलब ये पूछ रहा है किसी पदार्थ के किस गुण कारण उसे तारों में खींचा जाता है। तो दोस्तों ये गुण डक्टिलिटी होती है, और अगर उसे फैलाने वाला पूछा जाएगा तो फैलाने के लिए मैलेबिलिटी होती है, और प्रत्यास्थता और भंगुरता। तो आप ये सब चारों पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनमें बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, वी ब्लॉक कार्यशाला में किसके जांच के लिए उपयोगी होता है। तो वी ब्लॉक कार्यशाला में किसी बेलन की गोलाई गोलाई को जांच सकते हैं वी ब्लॉक के द्वारा, देख सकते हो। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस ग्रेड क्या है। तो टॉलरेंस ग्रेड भारतीय मानक के अनुसार 18 है। सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु क्या है, यानी लोअर क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट सभी के लिए 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है ये। गैस वेल्डिंग में उपयोगी ऑक्सी एसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कितना होता है। तो दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का जो ज्वाला होता है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेथ के केंद्रक पर दिया गया टेपर क्या कहलाता है। तो लेथ के केंद्रक पर कौन सा टेपर दिया जाता है, मोर्स टेपर दिया जाता है। मोर्स टेपर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेथ केंद्रकों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो लेथ केंद्रकों के बीच 60 डिग्री का कोण होता है। 25 mm के केसल नट में कितने स्लॉट होते हैं। 25 mm केसल नट में 6 स्लॉट होते हैं। कठोर स्टील को नरम बनाने के लिए कौन सी मतलब हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया की जाती है। तो कठोर स्टील को नरम बनाने के लिए टेम्परिंग करी जाती है। किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो और जगह बहुत संकरी हो तो वह प्रचलन कहलाता है। किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना होता है और दी गई जगह बहुत संकरी हो तो इस क्रिया को ग्रूविंग कहते हैं, ग्रूव बनाना है, कहते हैं मतलब ग्रूविंग कहते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला यूज़ करी जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का यूज़ किया जाता है, इसलिए और उसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला उपयोगी नहीं है। हाँ, तो इसमें दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन में 3 टाइप की ज्वाला होती है, एक न्यूट्रल ज्वाला होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला होती है, कार्बोनाइजिंग ज्वाला होती है, उसमें नाइट्रोजन ज्वाला नहीं होती है। प्रायः सोल्डर का गलनांक होता है, तो सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे ही माना जाता है। लेथ पर डबल स्टार्ट स्क्रू काटने के लिए जिसका पिच 1 mm में कर्तन औजार का फीड रेट होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल सवाल है, आप देख के लगा सकते हैं फॉर्मूले के बेस पे। ये पूछ रहा है एनीलिंग का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। तो एनीलिंग का प्रथम उद्देश्य होता है तापीय मशीनिंग को बढ़ाना होता है, मतलब हार्डनिंग टेम्परिंग के बाद टेम्परिंग वम्परिंग करते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाता है और वो हो जाता है ब्रिटल हो जाता है, तो मतलब उसकी मशीनेबिलिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए हम एनीलिंग करते हैं, एनीलिंग प्रोसेस करते हैं मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये अगला क्वेश्चन है, दाब युक्त वायु की ऊपरी मात्रा वायु कक्ष में कपोला फर्नेस द्वारा होती हुई प्रविष्ट की जाती है, मतलब कहाँ से प्रविष्ट करती है। तो वो ट्वेयर्स तो होता है, ट्वेयर्स इसका इंग्लिश में नहीं दिया है, वो ट्वेयर्स आंसर होगा इसका। पाइपों को अलग अलग करने की सुविधा जिसमें जोड़ने वाले कपलर को खोलने से प्राप्त होती है, तो कहलाता है यूनियन जोड़। यूनियन जोड़ इसका आंसर होगा। पार्टी ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई 3 से 12 mm
ली जाती है। स्टील का नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को क्रांतिक तापमान के ऊपर अचल वायु में ठंडा ठंडा कराया जाता है। नॉर्मलाइजिंग आप याद तक रखते हैं कि अचल वायु में ठंडा कराया जा सकता है, ठीक। नॉर्मलाइजिंग में ड्रिल प्राचल में सामान्यतः फीड के लिए उपयोग की जाती है, एमएम पर रिवोल्यूशन। निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है? तो इसमें से वेल्ड सोल्डरिंग सोल्डरिंग विधि नहीं है। आईसी इंजन के बोर के परिष्क्रमण का उच्चतम तरीका क्या है? हॉर्निंग। आईसी इंजन के सिलेंडर में सिलेंडरिक जो जो भी होता है सिलेंडरिक उसमें हॉर्निंग ही करते हैं। एसीटिलीन सिलेंडर में सामान्यतः किस प्रकार में गैस होती है? तो उसमें 1.5 MPa दाब पर और 10^3 m³ की होता है, वही होता है। कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोयोटेक्टाइल स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके। तो ऐसे ही करता है। दो शाफ्टों को जोड़ने वाली यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ यूज़ की जाती है? यूनिवर्सल कपलिंग जिसमें अक्ष एक छोटे छोटे कोण पे काटते हैं वहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बेयरिंग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं है? तो दोस्तों जनरल बेयरिंग इसमें से जनरल बेयरिंग एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग नहीं है। शाफ्ट के 100 mm व्यास के लिए फ्लैंज कपलिंग में बोल्टों की संख्या, तो फ्लैंज कपलिंग में बोल्टों की संख्या वैसे हमेशा 4 ही होती है। लो कार्बन स्टील के फोर्जिंग के लिए अत्यंत लो कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए उचित तापक्रम 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का लो कार्बन स्टील के लिए। पिट फर्नेस का नाम, पिट फर्नेस को क्रूसिबल फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है, पिट फर्नेस को क्रूसिबल फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है। जब बीमा को 25+0.35-0.25 से दर्शाया जाता है तो टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब इन दोनों का दोनों को जोड़ देंगे तो टॉलरेंस निकल आएगा, क्योंकि प्लस में ऊपर जाएगा और माइनस में नीचे आएगा, तो उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये टेक्निकल 75 क्वेश्चन आते हैं LMRC में, और आगे के क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको बस दिखा दे रहा हूँ, जिसमें से इंग्लिश के ये क्वेश्चन कुछ हैं, देख सकते हैं आप। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नॉन टेक्निकल, यानी आप देख लो बस एक बार, मैं पढ़ के सुनाने नहीं वाला हूँ, आप लोग देख लो यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हुए इंग्लिश के, 75 टेक्निकल के थे, 5 इंग्लिश के थे, और आप देख सकते हो यहाँ पे फिर 5 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हैं। तो आप देख लो मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया है, एक आय वाला दिया है, फिर दो सर हुए, ये भी समय दूरी वाला ही है, औसत का दिया है, और बट्टा क्रम एक क्रय विक्रय वाला दिया है, और फिर यहाँ पे रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। रीजनिंग सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेन पार्ट इसमें टेक्निकल ही होता है, जो टेक्निकल में अच्छा करना होगा हमें, 75 क्वेश्चन के टेक्निकल हैं, और इसके बाद आप देख सकते हो 10 10 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन आपके जी एस के हैं, करंट का भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो LMRC के बारे में, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था पहले, और अभी ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस तरह से LMRC का पूरा पेपर हो गया है। तो आप ऐसे ही मेरे, आपको अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ अगर ख़राब बातें लिखी हो तो उसको भी आप लिख सकते हो अपने कमेंट्स में, ताकि मैं उस पर काम करके सुधार सकूँ। दोस्तों मैंने अभी अपना नया चैनल बनाया तो धीरे धीरे अपनी सीख रहा हूँ, तो आपके अगर फीडबैक मिलेंगे तो मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।